उदाहरण है। और उत्तर प्रदेश में अगर बेईमानी न की होती भारतीय जनता पार्टी ने, तो उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादियों की होती उत्तर प्रदेश। किस तरह की बेईमानी हुई? आप विधानसभा का चुनाव भी देखा होगा, जिला पंचायत का चुनाव भी देखा होगा, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी देखा होगा। कई ऐसी बेईमानियां हैं जो आपके टीवी पे चली हैं कि आपका प्रत्याशी जा रहा है नॉमिनेशन करने, नॉमिनेशन पर्चा छीन लिया। एक महिला नॉमिनेशन के लिए जा रही थी, उसकी साड़ी छीन ली, साड़ी फाड़ दी। क्या बीजेपी का ये चरित्र है कि अगर महिला नॉमिनेशन करने जा रही है तो उसके कपड़े फाड़ देंगे आप? एमएससी के चुनाव में आपने नॉमिनेशन नहीं करने दिया, पुलिस लगा दी। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में टमाटर के सवाल पर आप पुलिस भेज दे रहे हो आगे। दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता होगा, और मैं समझता हूं मुंबई में भी नहीं होता होगा। सोचो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ही हो रहा हो कि अगर टमाटर के सवाल पर कोई आंदोलन करे तो उसे जेल भेज देंगे आप, क्योंकि टमाटर सस्ता कैसे हो उसका जवाब ही नहीं उनके पास। क्या अखिलेश यादव अपने आप को विपक्ष का चेहरा मानते हैं 2024 के लिए? हमारे पास बहुत चेहरे हैं, जब समय आएगा तो हम लोग तय कर लेंगे। लालू जी ने इसी कमेंट किया था कि बगा लालू जी का एक बयान अभी हाल ही में आया था कि बगा तो तैयार है विपक्ष के, लेकिन दूल्हा अभी तक मिला नहीं। क्या बोला था आप ही नहीं जानते हो। हमारे पास बहुत चॉइस है, बीजेपी के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर बीजेपी पे चॉइस हो तो बताओ आप, बीजेपी पे अगर चॉइस हो तो बताइए। मुझे उम्मीद है कि पत्रकार साथियों ने सब सवाल पूछ लिए होंगे। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि मुंबई में इतनी दूर आए, वहां भी हमें आपसे मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।